लेकिन पार्टियां ऑफर के आधार पर नहीं चलती है, ये अखिलेश यादव जी को समझना पड़ेगा। जनता जनमत देती है तब सरकार बनती है, सरकार किसी ऑफर के आधार पर नहीं बनती है। ये सरकार में आने की जो उनकी बेचैनी और छटपटाहट है ना, इस तरह के पहले भी कुछ प्रयास वो कर चुके हैं और बार बार असफल हुए हैं, लेकिन अखिलेश जी हैं कि मानते ही नहीं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक मानसून ऑफर दिया है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत पुरानी ऑफरबाज पार्टी है। जब मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब यूपीए की सरकार का साथ देने के लिए या साथ छोड़ने के लिए कई तरह के ऑफर लिया दिया करते थे, लेकिन पार्टियां ऑफर के आधार पर नहीं चलती हैं, ये अखिलेश यादव जी को समझना पड़ेगा। जनता जनमत देती है तब सरकार बनती है, सरकार किसी ऑफर के आधार पर नहीं बनती है। ये सरकार में आने की जो उनकी बेचैनी और छटपटाहट है ना, इस तरह के पहले भी कुछ प्रयास वो कर चुके हैं और बार बार असफल हुए हैं, लेकिन अखिलेश जी हैं कि मानते ही नहीं। कल प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर से, कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है रिपोर्ट सबमिट की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ठाकुर वोट बैंक में 30% गिरावट आई है, हर सीट पर 6-7% जो है वोट बैंक गिरा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं, सर्वोच्च नेता के साथ मिलना, उनके साथ मार्गदर्शन लेना, उनको अपने कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराना, अपनी योजनाओं के बारे में अवगत कराना, ये पार्टी की नियमित कार्य पद्धति का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी के साथ समय समय अंतराल पर पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेने का काम करते हैं। तो इस मामले को लेकर के कि जीत में क्या हुआ, हार में क्या हुआ, कारण क्या थे, ये सारी बातें कपोल कल्पनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ अच्छे एक सुखद वातावरण में बातचीत हुई है, उत्तर प्रदेश के परिणामों को लेकर के भी चर्चा की है और आगामी कार्यक्रमों को लेकर के भी उनके साथ बातचीत की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि जो चार धाम यात्रा पे जो सड़क मार्ग है उस पे जो दुकानें हैं उन पे प्रोप्राइटर्स को जो बोर्ड होगा उस पे अपना नाम लिखना होगा, उसको बताना होगा कि वहां वेज मिलता है नॉन वेज मिलता है। देखिए, कुछ लोग जानबूझ करके ऐसे नाम लिखते हैं जो नाम हिंदू देवी देवताओं से, हिंदू धर्म से संदर्भित हैं और उसके बाद भावनाओं को ठेस पहुंचाने की एक चेष्टा की जाती है। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर देखा है कि पहले भी ऐसी छोटी छोटी बातों से कई गंभीर घटनाएं बारे में बनी है, इसलिए प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर अपने फीडबैक के आधार पर इस तरह का निर्णय किया है कि सांप्रदायिक सद्भाव उत्तर प्रदेश का किसी भी सूरत में न बिगड़े। सावन का महीना एक पवित्र महीना है जिसमें एक कांवड़ यात्रा होती है, पवित्र कांवड़ यात्रा होती है, उसके हर प्रकार की व्यवस्थाएं हो, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा विघ्न न हो, इसको लेकर के प्रिवेंटिव एक्शन स्थानीय प्रशासन की ओर से लिए गए। अखिलेश यादव और ओवैसी दोनों ने तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि अफ्रीका में इसे अपार्टाइड और हिटलर की जमनी में इसको जुनेट वाइट बायकॉट कहा जाता है। देखिए, ये जानबूझ करके कुछ लोग इसमें सांप्रदायिक एंगल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हर प्रकार के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए, उत्तेजना फैलाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए अलग अलग समय पर बयानबाजी करते हैं। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनी है, तब से हमने सांप्रदायिक दंगों को आज पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया है, वरना यही समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारों में कैसे दंगाइयों को संरक्षण मिलता था और हर जिले में कर्फ्यू झेलना पड़ता था। फिरोजा ने कहा है कि 21 तारीख को ही हम अपना कार्यक्रम करेंगे। कल हम पर दबाव बनाया गया, दबाव बना के ये लेटर लिखवाया गया, लेकिन 1 जुलाई को हिंदू युवक और युवतियों का जो है सामूहिक विवाह कराएंगे। देखिए, तौकीर रजा जैसे नेताओं का लगातार प्रभाव कम हो रहा है, मीडिया में सुर्खियों में कैसे आया जाए, इसके लिए तरह तरह के स्वांग रचने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी प्रयास जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करेगा, मतांतरण को, धर्मांतरण को प्रोत्साहित करने का काम करेगा, कानून वहां कठोरता से कार्रवाई करेगा। तौकीर रजा जैसे लोगों केवल आज बयानबाजी करने का काम करते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते हैं, केवल जवानी जमा खर्च करते हैं।